अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक फिट फाइन? आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और सर्दियों की छुट्टियां भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 लेकर आया हूँ एसला यूनिट्स का क्लास इंटर का। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आइए चलते हैं, देखिए जरा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका इनके एक ही नाम ही है। आई बात समझ में, जैसे परेशान होने की बात नहीं है, एक ही चीज है। जैसे कोई घर में बच्चा पैदा होता है ना, उसके 3-4 दिन तो रख लेते हैं डब्बू शब्बू के ऊपर, जब आदमशुमारी होती है तो पता लगता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जरा ठहरो तो पापा से पूछ के आता हूँ। इधर की ऐसी कंडीशन है, परेशान होने की बात है नहीं है। अच्छा, वैसे बुक्स में तो डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द सेकंड डेफिनेशन, द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव केटायन, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव केटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आई थिंक ये सिंपल डेफिनेशन है। देखिए जरा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैसेस केटायन टू गैसेस केटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जिसमें गैसेस एटम को कन्वर्ट किया जाए गैसेस केटायन में, उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन अल्फाज की मीनिंग है ना, वो है फॉर्मेशन ऑफ आयन। प्यारे बच्चों, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का फॉर्म होना बनना। आयन 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 किसको कहते हैं? द एक्सिस आर डिफ्यूजन या चार्ज इन एटम्स का आयन, आयन एक्सिस या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो लॉस करेगा। आयन दो किस्म के होते हैं, जरा देखिए यहां, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन तब बनता है जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तब वो पॉजिटिव आयन बनता है। उसके बाद के टाइम, के टाइम जैसे केक मींस क्या कहते हैं बिल्डिंग, लेकिन यहां पर माना नहीं करेंगे कि केक ही माना है, यहां डिक्रीज ऑफ क्या डिक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, जाहिर बात है। और के टाइम को सिंपल अल्फाज में हम अगर बयान करें तो हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम के टाइम कहेंगे। अच्छा, याद रखें नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन वह बनता है जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब एलिमेंट तो गेन का इलेक्ट्रॉन फॉर्म द एनायन का नॉन मेटल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद उसमें नेगेटिव चार्ज आएगी तो एनायन बनेगा। एनायन का अल्फाज की माना है इंक्रीज ऑफ, जाहिर सी बात है कोई भी न्यूट्रल एटम गैस से एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे ना। चलो देखते हैं कंडीशन क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आयनाइजेशन में जितनी जरूरत टू पड़ती है हम इधर क्या देखते हैं, हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सारे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर इक्वल होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इनके बीच जो मतलब बंधन जुड़ा होता है ना, उनको डिक्रीज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक क्रिएशन बेटा, यानी आप नोट कर पॉइंट नोट कर दीजिएगा, ये एंडोथर्मिक क्रिएशन होगा, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी यहां से हुआ कहां जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, रिमूव होके इंफिनिटी की तरफ से जाएगा। अच्छा, क्या कंडीशन होगी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा? देखिए जरा, न्यूट्रल हो, आइसोलेटेड हो, गैसेस एटम हो, न्यूट्रल मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड मींस सिंगल, ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए। कैसे? ये तीन पेन है मेरे हाथ में, तीन पेन, इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, नहीं होगा, एक पेन होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, सिंगल एटम आइसोलेटेड हो। इनके ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो किलो जूल पर मोल, पर मोल का मतलब है 1। इट मींस फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां समझा रहा हूं, सोडियम में
क्लोरीन सोडियम परमोल वनमोल इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होगा, किलो जूल परमोल क्लोरीन वो भी सिंगल एटम में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड। सो यूनिट स्टार किलो जूल परमोल दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए काफी कुछ बुक्स में देखा है, फिजिक्स में यूज किया जाता है टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यूनिट जो इसका है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो यूज किया जाता है। आइसोमेट्रिक सिंगलो अच्छा कौन से रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के जरा देखिए यहां, हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है और रेडिएशन भी हो सकती है। जाहिर बात है फॉर एग्जांपल तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे, अगर सोलर का पंखा है अगर आपको चलाना है तो रिसोर्सेज कोई भी यूज कर सकते हैं, आप बैटरी पे चलाएं, आप सोलर की प्लेट पे चलाएं, आप इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएं, वो डीसी होता है ना, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहते हैं उसको एडाप्टर। अच्छा तो इसी तरह हम एनर्जी डिफरेंट सोर्स यूज करते हैं, हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो अभी हम जिक्र करेंगे सक्सेस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, के वो कैसे जाना जाता है। आपको मालूम है कि भाई न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है सारे एटम्स पे एक साथ, और ये पॉजिटिव में ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी फोर्स लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा, सेकंड एटम पे लगेगा, जब सेकंड एटम पे लगेगा तो जाहिर सी बात है फोर्स जो ज्यादा हुआ तो सिंपल सा फंडा है तो इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर दूसरा रिमूव हो गया, दो रिमूव हो गए, ये तीसरा बचा, अगर तीसरे ये दोनों की जो एनर्जी थी वो तीसरे पे लगेगी, वो तीसरे पे जो एनर्जी लगेगी तो जाहिर बात है बेटा तो इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जरा सा मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, जस्ट मैं एक सेकंड के लिए न्यूक्लियस हो जाता हूं एटम का, आई पास समझ में, जहां एक बच्चे का मैंने हाथ पकड़ा है, यहां भी मैंने हाथ पकड़ा है बच्चे का, तो बेटा माइंड मत कीजिएगा। अच्छा तो बच्चे का हाथ पकड़ा है तो मेरा जो मतलब मैं न्यूक्लियस हूं, मेरा फोर्स है इस पे भी इधर भी है, अगर एक बच्चा चला जाएगा जा बेटा जा दफा होकर, अगर एक चला गया तो दूसरा जो है वो उसको मैं पकड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी यहां मैंने दी थी वो इधर प्रोवाइड करूंगा, अगर इधर इधर बच्चे को कहीं जाना नहीं है आपको, सो ये बेचारा तो इतनी आसानी से तो नहीं हाथ छुड़ाएगा, आई बात समझ में। सो ये एग्जांपल था कि भाई थर्ड आदर्श एनर्जी, सेकंड आदर्श एनर्जी और फर्स्ट आदर्श एनर्जी कैसे मतलब डिग्री जो थी इंक्रीज होती है, थर्ड ज्यादा सेकंड कम होगी, सेकंड ज्यादा है इसका मतलब तो फर्स्ट आदर्श एनर्जी के प्यारे बच्चों। लास्ट में एक पॉइंट आपको नोट करवाने जा रहा हूं, वो ही नोट कीजिएगा नियान हिल्स हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल, नियान की जो है वो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है पीरियोडिक टेबल में, और सीजियम की जो है वो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है पीरियोडिक टेबल में। आई होप मैं कहता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इट मींस कोई भी एटम न्यूट्रॉन जो मतलब गैसेस एटम कन्वर्ट हुआ गैसेस के टाइम में मींस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। इट मीन सिंपल फंडा मैं आपको बता दूं, वो एनर्जी जो किसी भी एलिमेंट को दे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम उसको द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट द पॉजिटिव चार्ज इन द टाइम इसका आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा इसके मैं फैक्टर बयान करूंगा कल, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होंगे आयनाइजेशन एनर्जी पे एक वीडियो और बनेगी, हालांकि मुझे बनानी नहीं चाहिए थी लेकिन बनानी पड़ेगी मजबूरी, क्या करें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो पता नहीं फर्स्ट ईयर में वो पढ़ी थी ना आपने, याद भी नहीं है रात को क्या खाया था वो याद है आपको, वो ही याद नहीं है तो इसलिए मैं ये नाम में रिपीट कर उसको। सो कल इंशाल्लाह फैक्टर बयान करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के, सो अगर कोई डिफिकल्टी हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ग्लव पुष्पन, अगर कोई डिफिकल्टी हो क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद ओके अल्लाह हाफिज़।